मोर देन अ बिलियन ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया का स्पोर्ट्स लिटरेसी रेट है 5.56%, जिसमें से विमेन का शेयर है एज लो एज 1.31%, यानी कि सिर्फ 57 लाख लोग हैं जो स्पोर्ट्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं दी बॉटम। पीवी सिंधु जब वर्ल्ड चैंपियन बनी तो पूरी दुनिया ने उन्हें देखा। सानिया मिर्जा, मनु भाकर, दीपिका कुमारी, मैरी कॉम, इन सब ने जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म किया, सब ने उन्हें अपलोड किया। इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड मैप पर डाला, पर विमेन एक्सेलिंग इन स्पोर्ट का कॉन्सेप्ट इंडिया से बाहर गया। बट क्या जो पिक्चर बाहर दिखाई देती है इज दैट द रियलिटी इनसाइड द कंट्री। लेट मी टेक यू थ्रू फैक्ट। क्रिकेट, जिसमें इंडिया में फंडिंग की कोई भी कमी नहीं है, उसकी 2021 के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक BCCI ए ग्रेड फीमेल क्रिकेटर्स को पे करता था 50 लाख रुपए, वही सी ग्रेड मेल क्रिकेटर्स को मिलते थे 1 करोड़ रुपए। फुटबॉल, हॉकी एंड अदर फेडरेशन फॉलोड द लीड। हालांकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। 2017 के स्पोर्ट्स सैलरी सर्वे के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स की फील्ड में बाकी प्रोफेशनल फील्ड से सबसे ज्यादा जेंडर पे गैप है। 2018 फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स के टॉप 100 में भी कोई स्पोर्ट्स वुमेन नहीं थी। हालांकि ये सिर्फ एक पैरामीटर है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार अगर मेजर टूर्नामेंट्स को साइड में रखते तो वुमेन स्पोर्ट में मीडिया कवरेज सिर्फ 4% है और उतना ही कम है क्राउड का टर्नआउट। BBC ने इंडिया में भी एक सर्वे किया था जिसमें 42% लोगों का ये मानना था कि वुमेन स्पोर्ट्स जो है वो मेन स्पोर्ट्स से कम इंटरेस्टिंग है, यानी कि डायरेक्टली व्यूअरशिप कम हो जाती है, जिसका सीधा सीधा असर पड़ता है एडवर्टाइजिंग पे, स्पॉन्सर्स पर, उनके रेवेन्यू जनरेशन के मेन एरियाज पर। ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल पैरामीटर्स थे, लेकिन सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट कुछ और कारण हैं जो महिलाओं को स्पोर्ट्स की दुनिया में आने से रोकते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि क्यों ऐसा होता है इन द सोसाइटी, कई लोगों का ये मानना था कि कुछ स्पोर्ट्स महिलाओं के लिए अनफिट हैं, कुछ उनके मदरहुड को अफेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे हैं जिससे उनकी बेटियों की सिक्योरिटी की उन्हें चिंता रहती है, और कुछ रिस्पॉन्सेज आए जो कि कई बहुत न्यूट्रल थे। चाहे मेल हो फीमेल, स्पोर्ट्स इज नॉट अ सेफ ऑप्शन इन इंडिया। सबसे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि चाहे सोसाइटी कितनी भी मॉडर्न या फॉरवर्ड क्यों ना हो जाए, आज भी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को फील्ड पर भेजने से लगते हैं। उन्हें लगता है कि देयर डॉटर्स आर मोर सूटेबल टू द बेस्ट जॉब। हम बिजी हैं ब्लेम करने के लिए टू द बोर्ड्स एंड द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की वो उन्हें पे नहीं करते या उन्हें दिखाते नहीं हैं। बट आर वी रेडी टू सी देम ऑन टीवी? आर वी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट देम? वी एज अ सोसाइटी आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि मेन और वुमेन हर एक एस्पेक्ट में सिमिलर हैं और वो किसी भी फील्ड में जिसमें वो चाहे एक्सेल कर सकते हैं। हालांकि कई पॉजिटिव्स निकल कर आए हैं, जैसे कि 2020 में हुआ T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने खेला था फाइनल जिसमें हाईएस्ट ऑडियंस अटेंडेंस का रिकॉर्ड टूटा था। पीवी सिंधु के मैचेस भी टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं मैचेस में से एक हुआ करते थे। फीमेल एथलीट्स, वुमेन हॉकी टीम को धीरे धीरे लोग पहचानने लगे हैं, लेकिन रोड अहेड इज वेरी वेरी लॉन्ग। एंड जब तक आप और हम प्लेज नहीं लेते टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल्स एंड टू सपोर्ट दीज एथलीट्स, ये नहीं हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी पॉडकास्ट।